स्टूडेंट्स हाउ आर यू माई सेल्फ रामबाबू सिंह लोधी सत्या क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स आपने नंबर वन वीडियो देखी होगी मल्टीप्लिकेशन नंबर वन, तो उसमें मैंने कुछ जानकारियां दी थी छोटे लेवल से बनाई थी अपने उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्यों कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनमें कोई छल का पट नहीं होता, तो उस चीज को लेके मैंने बड़ा स्लोली सिंपली बनाई थी और उसी को मैं आगे बढ़ाने के लिए ये भी छोटे ही बच्चे हैं जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और ये सेकंड या थर्ड के बच्चों के लिए है। और मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर कि हर बच्चे को टेबल्स लर्न होनी चाहिए कम से कम 2 to 9 और उसमें भी टेबल इस तरह लर्न होनी चाहिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखे हैं 4 9 36 6 7 7 6 42 और 3 9 27 और 9 3 27 इस तरह से डोजिंग टेबल फर्स्ट क्लास लर्न होनी चाहिए। फिर हम देखो मल्टीप्लाई में कैसे अपना जादू करते हैं और इस प्रकार से टेबल बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स यानी जो होता है ना मैथमेटिक्स नो मैथ विदाउट टेबल्स। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिंपल क्वेश्चन से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन का टाइटल है या तो मल्टीप्लाई फॉर्म आता है या फाइंड द प्रोडक्ट। सो मेरा पहला क्वेश्चन आप देखते पता लगेगा 2 4 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हम फॉर्मेट में लिखेंगे सबसे पहले, तो ये सीखना है हमको। प्लेसिंग करेंगे 1s 100s 1000, ये सिंपल है विदाउट कैरी है और स्टेप्स 4 है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे काम करेंगे 2 की टेबल 2 तक सबको लर्न है 2 2 4 2 3 6 2 4 8 और 2 2 4 जो वैल्यू जिनके प्लेस में आ रही है वही हमने पुट कर दी है। मुझे लग रहा है सबकी समझ में आएगा, अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो ये 100% सब कुछ समझ में आने वाला है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने आपके सामने कैरी वाला क्वेश्चन लिया है और मुझे लर्न है इसलिए बहुत जल्दी हो रहा है। ये देखिए आप भी ऐसे ही करेंगे 8 7 56 एक सेकंड भी नहीं लगाना, पढ़ना नहीं है 8 1 8 8 2 16 8 3 24 नो नॉट अलाउ। यहां पर हमको देखना है कि 8 7 56 और 56 के लिए 56 आपने लिख तो दिया लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इसका जो भी ये 5 डिजिट है वो टेंस है और यहां से हटा के आपको ये कैरी का नाम देना है और ये 5 कैरी ग्रुप में जाएगा। फिर नेक्स्ट रीड करेंगे हम 8 6 48 और इसके अंदर 5 हमें ऐड करना आता है, नहीं आता तो सीखना होगा। तो 8 6 48 5 53 सिमिलरली आगे भी क्वेश्चन बड़े आसान है मेरे पास, तो इनको देखते हैं हम 6 3 18 और 1 कैरी जाएगा 6 2 12 और 1 13 इसी तरह से 1 कैरी 6 4 24 और 1 25 लास्ट में हम दोनों डिजिट रख सकते हैं क्योंकि आगे प्लेस नहीं है, कोई बात नहीं। इस केस में बात करते हैं 8 2 16 1 कैरी जरूर नोट डाउन करें जिससे गलती ना हो 8 6 48 और 1 49 जो इसका 4 है आपको पता लगने लगा है 100 प्लेस में जाने वाला है 8 2 16 और 16 के साथ जैसे हम 4 ऐड करेंगे 20 आएगा रिजल्ट और 2 इस घर में जाने वाला है और 8 7 56 और 2 58 तो इस तरह से ये आपका आंसर। आप इनको चाहे सर्कल में कर लेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा दीज आर कैरी। सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके सामने, अगर मुझे टेबल अच्छी थी याद तो मैंने फटाफट ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन सम किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे ढंग से सीखी होगी। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा वीडियो पसंद अगर आई है तो आपसे ये मेरा अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे मेरी नई नंबर 3 वीडियो जो आने वाली है आपको सबसे पहले मिले। जय।